फ्रेंड्स, सारे दिन का एक ऐसा वक्त जब हमारी सारी विशेज एक साथ पूरी हो सकती हैं, या फिर हम जो बोलें वो सच हो सकता है, या फिर मैं सिंपल ये बोलूं कि भगवान आपको खुद बुलाते हैं कि इस टाइम पे तुम मुझसे कुछ मांगो और मैं वो तुम्हें दूंगा। वो कौन सा टाइम है? सुबह का टाइम, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। लेकिन होल्ड ऑन, ब्रह्म मुहूर्त से आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये तो हमें पता ही है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम कुछ करें तो वो बड़ा इफेक्टिव होता है। ब्रह्म मुहूर्त में भी एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जिस टाइम पे ही चीजें एक्टिव होती हैं। नहीं तो सी, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो है जनरली 4 बजे से, हम मान लो 4 से लेकर के 5:30 बजे तक का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का मानते हैं हम, ठीक है। आप ये पूरा का पूरा टाइम है, पूरे के पूरे टाइम में आप बैठ करके सोचोगे कि हम कोई विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमारा जो इनिशियल सबकॉन्शियस है, ठीक है, या इनिशियल कॉन्शियसनेस जो है हमारा, कॉन्शियस माइंड, नॉर्मल हमारी जो हमारा जो दिमाग है, ओके, उसमें जाके रह जाता है वहां पे, ठीक है। लेकिन उस शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाता है कि जहां पे हम कहें कि हाँ, ब्रह्म मुहूर्त का ये वो टाइम है जिसमें कि हमारी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त में एक टाइम ऐसा होता है जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, ठीक है। ये अमृत वेला कौन सा टाइम होता है? ये अगर मैं बोलूं तो वो पीक टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, जिस टाइम पे ब्रह्मांड की शक्तियां सीधा, जो इक्वेटर है ना अर्थ का, हम वो मालूम है आपको, वो डिवाइड करता है अर्थ को, ठीक है। नाउ ये जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, ब्रह्मांड से जो भी ऊर्जा आ रही है, वो ऊर्जा, वो एनर्जी सीधा पृथ्वी में बिल्कुल डायरेक्ट आती है, बिल्कुल सीधे आती है, ओके। सो जब ये सीधा है, जब ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, कोई इधर से नहीं, कोई एंगल चेंज नहीं है, बिल्कुल सीधे एंगल में अगर जब पृथ्वी पे ऊर्जा आ रही है, वो ऊर्जा का टाइम होता है ठीक 4:30 बजे का, 4:30 का वो टाइम होता है। उस टाइम पे अगर आप बैठ जाओ और फिर कोई भी चीज करो, ठीक है, या फिर कुछ स्पेसिफिक जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बताऊंगी, वो चीजें करो, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे साथ में, यस, मैनिफेस्टेशन को बूस्ट मिलेगा, लाइफ चेंजिंग होगा हर तरीके से। और इन सबसे बड़ी बात कि आप जो जो चीजें अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत से लोगों ने किया है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे बोली जा रही है कि हाँ ऐसा कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, नहीं, ये प्रूव्ड है। बहुत बहुत लोगों ने अपनी अपनी लाइफ को चेंज किया ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त के भी इस अमृत वेला पे की गई। कोई मेडिटेशन, कोई मंत्र जाप, कोई आप जर्नलिंग कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो चीज वहां पे बिल्कुल समझ लो कि एक तरह से मैं बोलूं तो, जिस तरह से मैंने कहा कि पृथ्वी पे ब्रह्मांड से ऊर्जा बिल्कुल सीधी आ रही है, तो आप जब पृथ्वी पे बैठ के कोई चीज वाइब्रेट कर रहे हो, कोई विश, कोई अफर्मेशन आप लिख रहे हो, तो आपकी भी ऊर्जा सीधा यूनिवर्स में जा रही है, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है मॉर्निंग में, ठीक है। शांति है, आपका मन शांत है मॉर्निंग में जब हम उठे हैं, तो हमारी बॉडी पूरी हील्ड है। सबसे पहली बात, जैसे ही हम मॉर्निंग में उठते हैं, बॉडी हील रहती है, क्योंकि हम सबको पता है कि 12 बजे के बाद हमारा शरीर खुद काम करना शुरू कर देता है, अपने आप को, सारे दिन जो थकावट हुई है, कहीं चोट लगी है, कहीं कुछ पेन है, उसको हील करना शुरू करता है। और इसी हीलिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, 12 बजे के बाद कोई बीमारी हो तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम कहते हैं ना, रात को कोई बीमारी बढ़ जाती है, वो इसीलिए बढ़ती है क्योंकि शरीर अपने आप को हीलिंग करने के प्रोसेस में लग जाता है। और उस टाइम पे कोई चीज अगर पहले से जो खराब है उसको अगर ठीक करेगा तो वहां पे और ज्यादा होगा ना, दिक्कतें आएंगी, तो वही दिक्कत हमें फिर नजर आती है, तो हम कहते हैं बीमारियां बढ़ जाती है। असल में बीमारियां बढ़ी इसलिए है कि वो दिक्कत थी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो वर्क चल रहा है वो हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो जब मॉर्निंग में हम उठे हैं तो हमारी बॉडी पूरी हील है, बॉडी पूरे अपने उस पावर में है, वो जनरेट कर सकती है, ठीक है। सो इसीलिए, और 4:30 पे जो एक मंत्र सबसे पावरफुल है, आप भी अगर आप कहीं पे सर्च भी करोगे ना, तो आप देखना, आपको लिख, आप सिर्फ लिखना कि सबसे सबसे मोस्ट पावरफुल मंत्र, सिर्फ इतना आप कहीं पे लिख के देखना, आपको जो मंत्र आएगा निकल के वो आएगा गायत्री मंत्र, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कमेंट्स में कि मैम आप प्लीज गायत्री मंत्र के बारे में कुछ बताइए, तो यहाँ पे ही मैं गायत्री मंत्र के बारे में भी आपको बता रही हूँ। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है इसमें इतनी शक्तियां हैं, इसका मीनिंग अगर आप देखोगे तो मतलब भी बड़ा सुरीला, बहुत ही पावन सा मतलब है। इस मंत्र के साथ आपको
कुछ चीजें करनी है अपनी अपनी विशेष के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आप सुबह उठिए, कोशिश कीजिए कि 4 बजे से पहले ही आप उठ जाओ, ताकि 4 बजे तक आप उस अवस्था में आ जाओ कि हाँ अब आप बैठो अपने मेडिटेशन के लिए, आप बैठो अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए, एक ऐसी सोच बनाने के लिए कि जो आपकी आपका फ्यूचर डिजाइन करे, ठीक है, या फिर आपके लिए वो जिंदगी डिजाइन करे जैसा कि आप चाहते हो, आपके डिजायर्स को मैनिफेस्ट करे, ठीक है। 4 बजे से पहले उठ जाओ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप नहा के ही चीजें करोगे, लेकिन अगर आप नहा लेते हो, प्रॉपर बाथ ले लेते हो, तो क्या होता है, आप अपने ऑरा को और भी ज्यादा इनिशियल स्टेज पे क्लीन कर लेते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहा धो करके आप बैठो, अगर बैठ सकते हो, नहीं तो नॉर्मल आप आराम से फ्रेशन अप होकर के, मन शुद्ध है, तन शुद्ध है, आराम से बैठो, बैठ करके और फिर इस मंत्र का जाप, ओम, ये जो मैंने आपको गायत्री मंत्र बताया, ठीक है, इस मंत्र को 11 बार आप पहले तो जाप करो, इसका सिर्फ 11 बार, ठीक है। सी 11 नंबर में यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 11 नई बिगिनिंग, नई शुरुआत का टाइम होता है, और ये जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, ये एक्चुअली पूरे दिन का की शुरुआत है, ठीक है। सूर्य की पहली किरण इस टाइम पे धरती को टच करती है, यस, ठीक है। तो ये जो शुरुआत है, इसलिए हम 11 नंबर लेके चल रहे हैं। आप इस मंत्र को, इस गायत्री मंत्र को 11 बार जाप करोगे इसके तुरंत बाद, क्योंकि जैसे ही हम गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं तो हम बहुत ही डिवाइन पावर से कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इसकी शक्तियां अद्भुत है। जो लोग 108 बार गायत्री मंत्र जाप करना चाहते हैं, खूब शौक से कर सकते हैं, बशर्ते 4:30 का टाइम मिस मत करना, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि 4 बजे से पहले उठो, क्योंकि आप जो अपनी बाकी का मॉर्निंग रूटीन करोगे उसमें टाइम मिस नहीं होना चाहिए। आप एटलीस्ट 4:15 तक बैठ जाओ अपने आसन पे, ठीक है, ताकि 4:30 का टाइम आपके उस मैनिफेस्टेशन के बीच में रहे। तो ये टाइमिंग्स का मॉर्निंग में बहुत ध्यान रखने वाली बात है, 4:30 का जो टाइम है वो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। सपोज आप 4:15 पे बैठ गए, 15 मिनट आपने अपने मंत्रों का जाप कर लिया, ठीक है, 11 बार आपने मंत्रों का जाप कर लिया, उसके तुरंत बाद आपको 3 बार, कम से कम 3 बार, ठीक है, अपनी विशेस बोलनी है। जितनी भी विशेस हैं, मल्टीपल विशेस हैं वो बोलो। अगर आपको लगता है एक विश कितनी बार बोले, तो सबसे बेस्ट है कि आप फिर बैठ करके 3 बार अपना फ्यूचर, जिसमें आप जो जो चीजें चाहिए आपको, ठीक है, मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा हूं या जी रही हूं जिसमें कि मेरे पास बहुत लग्जरी है, बहुत सुंदर घर है, बहुत प्यारा सा परिवार है, मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ मेरी शादी हो गई है, मेरी और बड़ी फैमिली है, खुशियां हैं, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा सब कुछ है मेरे पास, धन संपत्ति है, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मेरे परिवार का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुशी से जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ, जी रहा हूँ, मेरा नाम है, मेरा नेम है, फेम है, लग्जरी है, सब कुछ है, मतलब जिस तरह का आप सोचते हो वैसा करके एक पूरा पैराग्राफ एक बार बोलो, उसको सेम को फिर से दोबारा रिपीट करो, फिर दोबारा। अगर आपको लगता है कि हम दोबारा रिपीट करने में कुछ चीजें मिस कर जाएंगे, बेस्ट है एक दिन बैठ करके एक पैराग्राफ पूरा लिख लो, कहीं पे किसी पेज पे लिख लो इसको, लिख करके और फिर उस पेज को अपने पास रखो। आप जब 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हो, तब आप अपने उस पैराग्राफ को रीड करो 3 बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 बार, जब हम एक बार रीड करते हैं, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 3 बार के बाद सबकॉन्शियस में चीजें जाने लग जाती हैं। और क्योंकि आप सबसे पहले ये अमृत वेला में हो, 4:30 का टाइम है, जब बिल्कुल पीक आवर है, बिल्कुल पीक टाइम है वाइब्रेशंस का आने जाने का, और ब्रह्म मुहूर्त का पीक टाइम है, तो उस टाइम पे जब आप बैठे हो, एक तो आपने पहले ही अपने आप को प्योरिफाई कर लिया, मंत्रों से प्रोटेक्ट कर लिया, मंत्रों से एनर्जाइज कर लिया, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशंस को गायत्री मंत्र से हाई कर लिया। गायत्री मंत्र बहुत इफेक्टिव है वाइब्रेशंस रेज करने में। जिन लोगों को लगता है हमारी वाइब्रेशंस बिल्कुल डाउन है, नहीं रेज हो रही है, सेल्फ लव से भी नहीं हो रही, वो प्लीज ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कीजिए। आप 108 बार करो या 11 बार करो, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये जो मैं टेक्निक बता रही हूँ विशेस के लिए, उसमें 11 बार जाप करना है और उसके तुरंत बाद आपको अपनी विशेस बोलनी है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब अगर आपने 4:30, अगर नहीं, आपको 4:30 के ही मध्यांतर में ही आपको अपनी सारी विशेस बोल देनी है, इसके बाद का टाइम जो बच गया, क्योंकि 5:30 तक ब्रह्म मुहूर्त है, राइट, उसके बाद आप हो सके तो अपनी सारी विशेस की स्क्रिप्टिंग करो, ठीक है। स्क्रिप्टिंग में एक चीज का ध्यान रखो,
अभी आप जो भी जर्नल में लिखने जा रहे हो अपनी पर्टिकुलर विश, मैं सपोज यहाँ पे एक विश कंसिडर कर रही हूँ कि एक विश आपने कोई जो बहुत डेस्परेट विश है, क्योंकि आपने बाकी सारी पूरी लाइफ के लिए तो पहले ही ऑलरेडी 3 बार बोल दिया राइट एक पैराग्राफ में। अब एक विश को पकड़ लो जो बहुत डेस्परेट है, जो आपको चाहिए ही चाहिए और जल्दी चाहिए, उस विश को आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में कोई कुछ कुछ जगह पे कुछ सर्कल्स बना लो, कोई और फिगर बना लो, कुछ भी फ्लावर जैसा बना लो और उसके अंदर वो विश अफर्मेशन के जैसे लिखें, ऐसे जैसे कि वो मिल गई है आपको, हमें सबको पता है राइट। उनको लिख करके आप अपने जर्नल को बंद कर दें। कौन से कलर का पेन यूज करेंगे? ब्लू और रेड में से कोई सा भी कलर यूज करेंगे ठीक है। और ये सारी चीजों को करने में पीरियड्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम मंत्रों का जाप पीरियड में नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप उस दिन ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र की चैंटिंग आपको मिल ही जाएगी यूट्यूब पे, आप उसको सुन ले, सुने जरूर, क्योंकि सुनने से भी हमारा सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे आप, और इनको ध्यान में रख के आप अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करके साथ में ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, इसके साथ आप अपनी विशेष को लिखना शुरू कीजिए। कितने दिन करेंगे आप इसको? तो 21 दिन में हम हर चीज बदलता हुआ देखते हैं, हर चीज मैनिफेस्ट करते हुए देखते हैं। तो 21 दिन का प्रण रखिए कि 21 दिन हम कंटिन्यूस करेंगे। अगर मान लीजिए कभी आप कहीं घूमने गए, एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, आप जब वहां से आइए तब। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने शुरू किया और उसके बाद दो तीन दिन करके हमेशा कुछ कुछ दिनों में गैप कर रहे हो, ऐसा गैपिंग मत देना। सबकॉन्शियस को एक ही चीज 21 डेज कंटिन्यूअस देना होता है, तब जाके वो चीज रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, अमृत वेला का टाइम है, ये वो टाइम है जब आप कोई भी चीज को हकीकत बना सकते हो, रियलिटी बना सकते हो। अच्छी लाइफ, अच्छी सेहत, अच्छी ऊर्जा के साथ अगर कोई दिन शुरू करोगे विद पॉजिटिव मंत्रा, तो आप सोचो कितना मिराकुलस होगा। और ये सिर्फ आपकी विशेष के लिए नहीं, अगर आप ये रोजाना डेली हैबिट में लेके आते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला में अपने लिए चीजें डिजाइन करना, आप सारे दिन भी अपने आप को ना बड़ा एनर्जाइज फील करोगे, ऐसा लगेगा एक बूस्ट मिला हुआ है लाइफ में आपको ठीक है। सो ये काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग प्लीज इस टेक्निक को अपनी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए और जितनी जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। बहुत लोग उठते भी होंगे ब्रह्म मुहूर्त में, जो उठ रहे हैं बाकी कोई मंत्र कर रहे हैं उनको भी मैं बोल दूं, बाकी मंत्रों के साथ भी आप इस प्रक्रिया को कर सकते हो। बल्कि अगर आपके पास कोई और मंत्र है, कोई और टेक्निक है, तो आप कोशिश कीजिए कि पहले मतलब आधे घंटे का टाइम आपको इसमें लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो जैसे मैंने बोला कि 4:30 पीक आवर है, तो 4:15 से बैठ रहे हैं अगर, तो 4:45 तक आप इसको खत्म कर लेंगे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त 5:30 तक है, तो 5:30 तक आप बाकी की अपनी एक्टिविटीज करके खत्म कर सकते हैं। तो आई होप चीजें यहाँ पे क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप जो अपनी एक्टिविटी, जो टेक्निक कर रहे हैं, जो मंत्र कर रहे हैं, वो एज इट इज चलने दीजिए, उसके साथ आप इस गायत्री मंत्र को भी अपनी लाइफ में मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में करना शुरू करो। सिर्फ 21 दिन करके देखो, आपको खुद चेंजेस नजर आएंगे ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।